अस्सलाम वालेकुम। आज लाए मैं आप लोग के लिए तवा पनीर की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है, तो एक बार आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया था। पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है, आप चाहें तो ट्राइंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दही डाल देना है, तो गाढ़ी दही डालना है। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 2 चम्मच गाढ़ी दही डाल दी है, 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे रख देना है साइड में। अब ले लेना है फ्राई पैन। हालांकि ये तवा पनीर है मगर मैंने फ्राई पैन में बनाया है क्योंकि मेरा तवा काफ़ी छोटा था। इसके बाद इसमें 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डालना है, 1/2 चम्मच ज़ीरा डालना है। ज़ीरा जब अच्छी तरह से चटकने लगे तो इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कट करके, इस तरह से। प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो जाए यानी पिंक कलर की हो जाए तब तक के लिए ही इसे पकाना है। तो प्याज यहाँ पे गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन 2 चम्मच भर के क्रश करके डाल देना है। आप चाहे तो चॉपर में डाल के भी इसे चॉप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देना है। तो 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को बीच में से कट करना है, बीज निकाल देना है और क्यूब्स में कट करके डाल देना है। टमाटर डाल देना है, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक कट करना है। आप चाहे तो चॉपर में डाल के इसे कट करें, बिल्कुल बारीक रहना चाहिए टमाटर। इसे भी डाल दिया है टमाटर को। कुछ बेसिक से मसाले हैं जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच भर के। मिक्स करना है, गैस का फ्लेम स्लो रखना है। मसालों को डालते टाइम कभी भी गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है सिर्फ मसालों को पकाने के लिए, यानी 1/2 ग्लास से भी कम पानी डालना है। और गैस का फ्लेम मीडियम करके मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों को पकाने के लिए जो पानी डाला था वो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए। तो मसालों में से तेल बिल्कुल अलग हो गया है, इसी तरह से हमें चाहिए था। अब इसमें फिर से 1/2 ग्लास से भी कम पानी डाल देना है, यानी 1/2 ग्लास लेना है, उससे भी कम पानी डालना है। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, 6 से 7 हरी मिर्च को बीच में से कट करके डालना है। तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया है। अब गैस का फ्लेम फास्ट करना है और इसे अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। इसके बाद इसमें पनीर डाल देना है, जो पनीर को हमने मैरिनेट करके रखा था।
अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पका लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को मैंने हटा लिया है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तवा पनीर बनके तैयार हो गई है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए, फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी तवा पनीर की रेसिपी बनके हो गई है तैयार। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली नई रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। तो रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं फिर से किसी अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।